साथियों नमस्कार। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जैसे कि दोस्तों, मोदी सरकार के लाइव आने का मतलब ये है कि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सो गाइज, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मोदी सरकार ने क्या कहा है न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि पहले जैसी नहीं रहेगी अब धरती, कोविड से पहले और बाद के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, याद की जाएगी भविष्य की ये घटनाएं। बड़ी खबर है, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए किसी अभिशाप जैसी साबित हो रही है। रोजाना के संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या भयानक है। इसको लेकर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 के बाद धरती पहले जैसी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की प्रिय या पोस्ट कोविड के रूप में याद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वैसाख देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि वर्चुअल वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन के अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अब इस महामारी को लेकर बेहतर समझ विकसित हो गई है। हमारे पास टीके उपलब्ध हैं जो लोगों की जान बचाने और महामारी हराने के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस चुनौती को मजबूती से मुकाबला कर रहा है और इसमें टीके की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बड़ी खबर है सभी निवासियों के लिए। भारत के एक एक निवासियों के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सोशल वर्क, चाहे आप एक आम आदमी क्यों ना हो, चाहे आप एक सरकारी जॉब क्यों ना करता हो, आप सभी लोगों के लिए भारत के किसी भी राज्य में, हैं आप, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कहें, किसी भी आप स्टेट के हैं, आप ऑल स्टेट के भारत के निवासी हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बात। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बता दें कि वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन का यह आयोजन भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के सहयोग से करता है। इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख शामिल रहे हैं। जी हाँ, PMO के मुताबिक इस समारोह के दुनिया के 50 से अधिक प्रमुख धार्मिक नेता संबोधित करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसाख बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म बुद्धमन, जी हाँ दोस्तों, बुद्धत्व की प्राप्ति और परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, बड़ी खबर ये निकल कर आया हुआ है कि ये जो अब कोरोना वायरस जो चल रहा है, लोगों की जो मौतें हो रही है और जो कोरोना संक्रमित से लोग पीड़ित हो रहे हैं, इसके बाद जो है अब एक नज़ारा धरती अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहले जैसा नहीं रह गया है और आप लोग, मतलब सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। आप लोग सभी लोग अपने मास्क, सैनिटाइज़र और टीके का इस्तेमाल जरूर करें। जो लोग अभी तक टीका नहीं लगवाएं, लगवा लीजिए, और जो लोग मास्क और सैनिटाइज़र नहीं पहनते उनको बताइए, आसपास रिलेशन, दोस्त यार, सभी लोगों को बताइए। ठीक है, आप लोग का एक काम, एक दो मिनट का आप अगर टाइम निकाल कर उनको बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं, क्योंकि उनकी जो है, मतलब भविष्य के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत काम करेगा। तो सो गाइस, यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर न्यूज़ तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, बगल में बेल आइकन वाली घंटी को दबा दो। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।